दूसरा को तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग बताएगा कि वो नागिन कौन है। आज जब असली बात कहने का मौका आया है तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप हमें पसंद करते। हे सूर्य देवता, आप हमारी मदद कीजिए। अपनी रोशनी के वार से हमें बताइए कि यहां उपस्थित कौन सी काया है जो मात्र एक छाया है। आपके प्यार ने हमें इस मुसीबत से बचा लिया। क्या यह तुम रोज फूल चढ़ाती हो? हाँ उमा, क्यों? क्योंकि भोलेनाथ हमारे इष्ट हैं और उनकी पूजा करने से वो इस नागलोक की रक्षा करते हैं। तुम्हें पूजा करते हुए देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्या मैं यहाँ पूजा कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में पूजा कार्यभार हमारी माँ नागरानी ने हमें दिया है। किसी और को यहाँ पूजा करने के लिए हमारी माँ से अनुमति लेनी होगी। तो क्या वो मुझे अनुमति देंगी? तुम चिंता मत करो, हम अपनी माँ से अनुमति लेने के लिए प्रयास करेंगे। इस तरह नागरानी की बेटी और उस आम इंसान की बेटी अच्छी सहेलियां बन गई। और फिर उमा अपने सेवा भाव की प्रार्थना लेकर नागरानी के पास पहुंची। प्रणाम नागरानी जी। अरे बेटा उमा, बोलो। नागरानी जी, हमें भी कुछ काम करना है, हमें भी कुछ काम दीजिए ना। अरे नहीं बेटा, आप हमारी मेहमान, आपसे हम काम कैसे करवा सकते हैं? यहाँ सभी भी काम कर रहे हैं, हमें भी काम करना है। ठीक है बेटा, हम आपको एक जिम्मेदारी का काम देते हैं, पर आपको उसे बहुत अच्छे से निभाना होगा। देखो, मणिरक्षक नागों को तुम्हें सोपान रस पिलाना होगा, लेकिन ध्यान रहे वो गर्म नहीं होना चाहिए, उसे ठंडा करके पिलाना, वरना वो नाराज हो जाते हैं। अच्छा? बिल्कुल सुधा जैसी है, बहुत प्यारी। आज से ये काम नागरानी ने हमें सौंप दिया है। दिन बीतते गए और उमा पांचों नागों की पूरे मन से सेवा करती रही। और फिर जहां सारे नागवासी उत्सव में मगन थे, वहीं उस आम इंसान की बेटी उमा सोपान रस बनाने में व्यस्त थी। Oh!
बच्चे नाग। गर्म सोपान रस से मेरा मुंह जल गया है। इस लड़की ने दुस्साहस किए। ये क्या कर दिया तुमने? मणि रक्षक नाग को गर्म सोपान रस पिला दिया। ये अनर्थ तूने किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज के पश्चात तुम्हारी नागिन और आदि मानव रह जाएगी और इस श्राप से तुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। नहीं नागदेव, ऐसा मत कीजिए। इसे इतना कठोर श्राप मत दीजिए। उमा हमारी मेहमान है, उसे माफ कर दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं। इसे केवल मणि रक्षक नाग क्षमा कर सकते हैं। और यदि इन्होंने क्षमा कर दिया तो हमारा श्राप अपने आप समाप्त हो जाएगा। हे नाग मणि रक्षक, उमा हमारी मित्र है और हमारी मेहमान भी। उसने आपकी इतनी सेवा की है, क्या आप उसे माफ नहीं करेंगे? ये लड़की सही बोल रही है। हम सब उमा की सेवा से प्रसन्न हैं। हम इसका अपराध क्षमा करते हैं। परंतु हम उमा का अपराध क्षमा नहीं कर सकते, वरना भविष्य मनुष्य जाति कभी अपना काम गंभीरता से नहीं लेगी। उमा की गलती का डर संपूर्ण मनुष्य जाति को भुगतना होगा और आज की तिथि पर संपूर्ण मनुष्य जाति ठंडा खाना खाना। ये क्या नागरानी, क्षमा के पश्चात संपूर्ण मनुष्य जाति को इतना बड़ा दंड? नागदेव, गलती तो मनुष्य ने ही की है ना, तो दंड भी वही भुगतेंगे। इस दंड को एक पर्व और उत्सव का रूप देना आवश्यक है, क्योंकि इसे दंड के रूप में इस दिवस को स्मरण करना नकारात्मक सिद्ध होगा। इसलिए आज के इस मणि उत्सव को समस्त मनुष्य जाति नाग पंचमी के रूप में मनाएगी, और सभी लोगों में नागों की पूजा होगी। तो ये थी कथा नाग पंचमी की। इसीलिए उस दिन ठंडा खाना खाया जाता है। हाँ, नागों की ऐसी भावुक कथा होती। नाग नागिन भी जीव है बहू, और जहाँ जीवन होता है वहाँ कथाएं तो होती हैं। सच्चा इंसान वही है जो उनकी इज्जत है। सोच लिया है, अगर शादी हमारी किस्मत में नहीं तो आज के बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब हम दुनिया की सारी दौलत बटोरेंगे और बन जाएंगे दुनिया की सबसे दौलतमंद औरत। पैसा और पैसा, सिर्फ पैसा। सुन लो दुनिया वालों, यहाँ कोई है? कोई बात नहीं, आज से अंबालिका सबका भविष्य देगी। जो आना चाहे वो आ सकता है, और जो ना आना चाहे उसे घसीट के लाया जाएगा। समझे? अंबालिका, कैसी हो तुम? हमेशा से अच्छे हैं अमृता। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आज से हमने मुफ्त में भविष्य देखना बंद कर दिया है।
तो अगली बार पूर्व अनुमति और पैसों के साथ ही आइएगा। अंबालिका, अंबालिका ने जो कह दिया सो कह दिया, अब आप जा सकते। रुक जाइए। अच्छा अमृता, अब इतनी दूर से आई है तो आ ही जाइए, लेकिन अगली बार पूर्व अनुमति और ढेर सारे पैसों के साथ आइए। आइए विराज जी। अंबालिका देख रही है कि आप एक बहुत बड़े बुलबुले में फंस रही हैं। इस बुलबुले से निकलने की आप बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह का बुलबुला है। बुलबुला? कैसा बुलबुला अंबालिका? अंबालिका ने जो कह दिया सो कह दिया, और हमारा कहा कभी गलत नहीं होता, ये आप ही जानते हैं। कैसा बुलबुला हो सकता है? ऐसा क्या हो रहा है? हमारी बेटी एक इंसान की मां कैसे कह दे सकती है? आज उसे हम गलत लग रहे हैं, हमारे खिलाफ चले गई हमारी बेटी अमृता। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे कैसे वापस लाए। हमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन आज वो हमारे खिलाफ है। मरीना, उसे हमारे पास भेज दो, उसे वापस हम क्या करें? अगर वो हमारी बेटी होकर हमें भूल सकती है ना, तो हम भी उसे वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बोले ना, बहू सारी तैयारियां हो गई है ना? जी मां साहब। देखो बेटा, विशेष के परिवार का स्वागत बहुत अच्छे से होना चाहिए। जी मां साहब। का इंतजार कर रहे थे। हम बहुत खुश नसीब हैं बहन जी, जो आप जैसे बड़े परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। ये तो आपका बड़प्पन है भाभी साहब, खुश नसीब तो हम हैं। आपके परिवार की सज्जनता के किस्से सारा शहर जानता है। वो सब तो ठीक है, अरे लेकिन हमारी बहू कहाँ है? स्नेहा बेटा, जाइए कनक को बुला लाइए। जी ठीक है। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? सारे मेहमान तो आ चुके हैं। अमृता, ये बात हम दोनों जानते हैं कि
हम दोनों इच्छाधारी नागिन हैं और एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के दुश्मन भी। तू क्या समझती, तू क्या समझती, मेरे तांत्रिक बाबा को कैद कर, बाबा को कैद कर तू अपनी माँ की आत्मा हासिल कर लेगी, हासिल कर लेगी। कौन हो, कौन हो? कर्ण, कर्ण, एक इच्छाधारी नागिन। क्या चाहती हो तुम, क्या तेरी हार, तेरी हार और अपने तांत्रिक बाबा की जीत। बाबा की जीत, अब संभाल मेरा ये बाप। लेकिन अब हम सारी नफरत, सारी दुश्मनी भुलाकर अपने विशेष के प्यार के साए में जीना चाहते हैं। आज सभी लोग उसी की तैयारियां में तो लगे। देखिए अमृता, आपने भी एक इंसान के साथ घर बसाया है और आज हम भी वही करने जा रहे हैं। हमसे क्या चाहती है? एक वादा, या फिर यूं कह लीजिए एक सौदा, कि हम दोनों एक दूसरे के राज किसी पे जाहिर ना होने दें। बहुत मुश्किल से जिंदगी में प्यार आया है और हम इस प्यार को, अपने विशेष को खोना नहीं चाहते हैं। अगर विशेष को पता चल गया कि हम एक नागिन हैं, तो उनका प्यार हमारे लिए नफरत में बदल जाएगा। हम अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम जानते हैं सच्चे प्यार को पाने का एहसास क्या होता है। हम ये भी जानते हैं कि उसे खोने का डर क्या होता है। हम आपसे वादा करते हैं, हमारी वजह से आपकी जिंदगी में कोई विघ्न नहीं आएगा। यानी अब हम दुश्मन नहीं हैं। साईनाथ आपको ढेर सारी खुशियां दे और आप दोनों की जोड़ी को सदा सलामत रखे। थैंक्स अमृता, हम बहुत डरे हुए थे लेकिन आपने हमारा डर दूर कर दिया है। हम चलते हैं। कनक, हम भी आपसे एक मदद चाहते हैं। कहिए ना। आप तो जानती हैं हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, हमारे पिताजी की मौत का बदला लेना। क्या आप जानती हैं उनके असली कातिल कौन है? ये क्या कनक, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे विशेष की फैमिली आपका वेट कर रही है। चलिए अपने कमरे में तैयार हो जाइए। हम चलते हैं। क्या हो रहा है आपको? कनक, एक से बड़ी देर लग रही है कनक को। साहब, दुल्हन है, सगाई ही सही, उसे सजने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, उसे अपना वक्त लेने दीजिए। विशेष, आप जाके बुला लाइए बेटा। हम? हाँ हाँ, अभी तो आप ही को कनक का ध्यान रखना पड़ेगा। जाइए जाइए, देखिए वो क्या कर रही है।
बड़े खुश नसीब है आजकल के बच्चे, शादी से पहले एक दूसरे से मिल लेते हैं। एक हमारा वक्त था, शादी के बाद पता चलता था कि शादी किससे हुई है। और तो और घूंघट उठाने तक दिल धड़कता रहता था, पता नहीं घूंघट के पीछे क्या निकले। माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम आपको ये समझाने आए कि आज आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि एक इंसान और नागिन के प्यार का अंजाम क्या होता है। क्या करने वाली है? आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कनक को हम विशेष के सामने नागिन बना देंगे ताकि आप समझ जाएं कि अर्जुन और आपके रिश्ते का अंजाम क्या होगा। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। कनक बहुत खुश है माँ, बहुत सारे सपने बुन रखे हैं उसने। उन सपनों को इस तरह मत तोड़िए माँ, मत कीजिए ऐसा। अमृता, आपके भविष्य के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी, तो कनक ही क्यों नहीं? ये पाप है माँ, अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों की खुशियां मिटाना पाप है, और हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा तो? अभी तक नहीं आई, हम देखते हैं। मासा आप रुकिए, हम देख कर आते हैं। नहीं बेटा, हम देखते हैं।
हम भी चलते हैं आपके साथ। आइए। हे भगवान, कनक नागिन कैसे बन गई? शेष बता। विशेष नहीं, 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 विशेष डरिए मत विशेष, हम गलत हैं, आपकी कनक देखिए ना हमें, नहीं नहीं बाप ना दूर रहना, बाप ना दूर रहना, देखिए विशेष हम जानते हैं ये सच है कि हम एक नागिन हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं दादी साहब विशेष को रोकिए, उन्हें बताइए कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, हमारी मदद कीजिए, रोकिए विशेष को। अरे विशेष बेटा, इस तरह अचानक विशेष चले क्यों गए? वो विशेष हम बताते हैं, विशेष और कनक के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई और उन्होंने शादी ना करने का फैसला कर दिया। बच्चों का खेल समझाए, बच्चों का खेल समझाए, हम अभी विशेष से बात करते हैं, अभी विशेष से बात करते हैं। मेरे ख्याल से शादी करने का फैसला भी बच्चों का था और शादी ना करने का फैसला भी बच्चों का ही है। मेरे ख्याल से तो हमें नहीं कुछ कहना चाहिए। अब ये तो होना ही था, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जो भी जाएगा उसका यही आश्रय। जय महाकाल। अच्छा नहीं किया आपने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमने आप पर भरोसा किया लेकिन आपने हमारे भरोसे को तोड़ा है, आपने हमारी खुशी, हमारा प्यार, हमारा विशेष हमसे छीना है। हमने तो दुश्मनी को भुला दिया था अमृता, लेकिन आपने उस दुश्मनी को फिर से बढ़ावा दिया है। अब एक नागिन के बदले के लिए तैयार रहिएगा। मां की मम
ये कमबख्त जिंदगी कितनी खूबसूरत है, सोने चांदी जवाहरातों से लदे हुए हैं, सर से पांव तक भिगो दिया है मोतियों ने हमें, कनीजे ही कनीजे हैं चारों तरफ। ये जिंदगी सचमुच बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ खुशबू है पैसों की, दौलत की। अब हम दुनिया की सबसे दौलतमंद औरत है और सबसे खूबसूरत। कनीज, हमें करवट बदलनी है, जरा करवट बदलवाइए ना। सपना था वो कनीज, वो मोती, वो हीरे जवाहरात, वो पानी, वो खुशबू। लेकिन अगर हम अपने इस सपने को सच करें तो कैसे? अमृता अगर हमें नागमणि दे दे तो हमारा सपना सच हो सकता है। अब हमें अमृता से नागमणि लेनी है। बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कनक की भावनाओं के साथ और जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ उन्हें नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया माने। अच्छा नहीं किया आपने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमने आप पर भरोसा किया लेकिन आपने हमारे भरोसे को तोड़ा है। आपने हमारी खुशी, हमारा प्यार, हमारा विशेष हमसे छीना है। हमने तो दुश्मनी को भुला दिया था अमृता, लेकिन आपने उस दुश्मनी को फिर से बढ़ावा दिया है। अब एक नागिन के बदले के लिए तैयार रहिएगा। नहीं कनक, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलिए, हम एक नागिन हैं। ये बात सिर्फ आप ही जानती थी। आपने अपनी शक्तियों से हमें विशेष के सामने नागिन बनने के लिए मजबूर कर दिया। आप ही जीवा, आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? समझ रहे, आपकी बातें भी और आपका इरादा भी। एक नागिन ने एक नागिन के घरोंदे को उजाड़ा। नहीं कनक, ऐसा नहीं है। बस आपने अपने मन की कर ली है, लेकिन आप ये भूल गए कि आप भी एक नागिन हैं। आपने हमसे हमारा प्यार छीना है, अब हम आपसे आपका प्यार छीनें। जितनी खुशियां अपने प्यार के साथ मना सकती हैं मना लें, क्योंकि अब वो पल दूर नहीं जो आपकी खुशियों का आखिरी और आपकी बदकिस्मती का पहला पल होगा। कनक रुकी, हमारी बात तो सुनिए कनक, हमने कुछ रुद्र के रक्षक सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे बिग मैजिक पर। प्यार प्यार होता है और जब प्यार सच्चा तो कोई और बात मायने ही नहीं रखती है। आंखें खोलो अमृता और सच्चाई का सामना करो। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ठीक है अमृता, खुद समझ जाओ, वरना कनक की तरह तुम्हें भी नागिन बनाकर अर्जुन के सामने वो कड़वा सच तुम्हें भी दिखाएंगे। अगर आप भी कनक की तरह ठोकर खाकर ही समझना चाहते हैं तो यही सही, तो यही सही।
रो मत बेटा, तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता, पर तकदीर बदलती भी है। आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा बेटा। हम विशेष को दोष नहीं देते मासा, क्योंकि विशेष की जगह अगर कोई और इंसान होता तो वो भी यही करता। पर क्या हमारा प्यार कोई मायने नहीं रखता? क्या हमारा प्यार सिर्फ इसलिए टुकरा दिया गया क्योंकि हम एक नागिन हैं? क्या नागिन को प्यार करने का कोई हक नहीं होता? क्यों मासा, आखिर क्यों? ये सब हमारा दोष है बेटा। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, पर हमें भरोसा है बेटा, साईनाथ सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। मत रो बेटा, हम है ना, हम आपके प्यार के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता मास, हमारी जिंदगी में विशेष का प्यार था ही नहीं, वो हमारी जिंदगी में तूफान की तरह आया और आकर हमारी जिंदगी से चला भी गया। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ सन्नाटा है, उदासी और बस कुछ यादें। हमें हमारा विशेष कभी नहीं मिल सकता मास, कभी नहीं। कनक बेटा, भरोसा रखो साईनाथ पे, सब ठीक होगा। साईनाथ सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे बेटा। आपने अपनी शक्तियों हमें विशेष के सामने नाथ बनने के लिए मजबूर कर दिया। नाथिन ने एक नाथिन के घरों ने अमृता, आपने देख लिया कनक का अंजाम? माँ, आइंदे ऐसे काम मत कीजिएगा जिससे हमें आपको माँ कहने में शर्म आए। हमने ये सारा इसलिए किया ताकि हम साबित कर पाए कि हम जो कुछ कह रहे थे सच कह रहे थे। आपने अपनी बात साबित करने के लिए कनक की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी आंखों के सारे सपने नोच दिया, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तक छीन लिया आपने। लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए ये सब कुछ जरूरी था अमृता। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। एक इंसान कभी नागिन से प्यार नहीं कर सकता, और अर्जुन भी इंसान है। कमजोर था विशेष का प्यार, लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं है। हमारा प्यार सच्चा है, इसीलिए कभी भी ये साबित करने की कोशिश भी मत कीजिएगा कि अर्जुन हमसे प्यार नहीं करते। करते होंगे अमृता, लेकिन आपसे, नागिन से नहीं। नागिन से नहीं, और आप भी एक नागिन हैं। और आप भी एक नागिन, भूलिए मत, ये भूलिए मत। आंखें खोलिए बेटे, हम आपका बुरा नहीं चाहते। प्यार प्यार होता है, और जब प्यार सच्चा तो कोई और बात मायने ही नहीं रखती। आंखें खोलो अमृता, और सच्चाई का सामना करो। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ठीक है अमृता, खुद समझ जाओ, वरना कनक की तरह तुम्हें भी नागिन बनाकर अर्जुन के सामने वो कड़वा सच तुम्हें भी दिखाएंगे। अगर आप भी कनक की तरह ठोकर खाकर ही समझना चाहते हैं तो यही सही। आपको हमारी मदद क्यों चाहिए? ठीक है, ध्यान से सुनो। कौन है जो हमें
दुधारू वृक्ष तक पहुंचने नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। वैसे आपकी बेटी है कहाँ? हमारी बेटी? अब एक मिनट, अनामिका, अनामिका। हर तन शत 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 श्वेत श्याम नित्य नित्य दोष काम काम राम तत्त्व।